है, पाताल लोक में जाएगा फिर इसके बाद सीधा सजा, पाताल में जाना चाहता है, नाग कन्याओं के साथ आनंद लेना चाहता है। कवि ने मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, बता जल्दी। प्रेत महाराज कर लो कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस करके बता दो मुक्ति मांगो। कॉन्फ्रेंस अच्छा, अरे कॉन्फ्रेंस प्रेस वाले गलत बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? प्रेस वाले तो सही बोल रहे थे, कॉन्फ्रेंस बोलते हैं हमारे यहाँ तो भाई। अब ये कॉन्फ्रेंस तो देखो, नहीं नहीं वो वहाँ देखिए गुरुजी की तरफ। कॉन्फ्रेंस का मतलब है अपराध कबूल करना। इसमें नहीं रहने का, मेरे से गुस्सा। संडे के दिन सवेरे सवेरे थप्पड़ खाए ऐसे कुछ तो बात होगी। क्यों खाए थप्पड़ पता है? उस फोटो के ऊपर, वो जो फोटो इसने दिखाया, इसने पिटवाया तुझे, मार इसी को, मार ले। मेरे को दिखा रहा था मैं इसको काट खाऊंगा, तेरा फोन छीने गए। मेरे को दिख गया। ये सामान्य ऐप भी नहीं है, बहुत ऐप भी था पहले, मुझे इसकी सारी बात पता है। थैंक यू गुरुजी, आपने मेरा फोन बचाया। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शनिदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव मन भैया जी की जय, जय शनिदेव, जय शनिदेव। हो सकता है ये उठने की कोशिश करता है, इससे उठा भी ना जाता, ये उठ नहीं सकता जमीन से। लेकिन आपने मुझे सावधान किया, बहुत बुरे काम कर रहे हैं। कौन कौन से काम किए बुरे बुरे? गंदे गंदे, तू गंदा करने के लिए ही पैदा हुआ था। हाँ मैंने सुना तूने इसके घर में 3-4 आदमी मार दिए, माँ को, माँ को भी तो तू नहीं मारा, इसकी को ढकेल ढकेल के मार दिया। कैसे ढकेलता था? भाभी बहन बन के फेंकता था, इसके भाई को जानवर बना दिया, बड़े वाले को। कैसे? तू एक में रहता सब में। इसके छोड़े वाले भाई को भी इसकी गर्भ चीर खेच करवा दिए, पहले इसकी बड़ी बहन को मंगवा दिया, अब फिर इसकी भौजाई को मंगवा दिया, अब इसकी बीच वाली भौजाई को नंबर है। ये सब तुमने कैसे करा? नलायक तू तो झूठ बोल रहा है, इसमें से तो तू निकल नहीं पाता, तू इसमें से निकल के दिखा दे, हमें मान जाएंगे तेरे को। सिर्फ झगड़े के नीचे कराई है सब। यूं झूठ बोलते हैं प्रेत, कर लो इनसे बातें। लोग बातें करते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, आदमी विश्वास करता रहता है, ये काम। और कभी प्रेत से बात नहीं करनी, उसको अपने बारे में नहीं पता, तुम्हारे बारे में क्या बताए? आगे ना।
और दो बात इसने वही पैदा भी थी तुम्हारे मन की जो तुम्हारे मन में चल रही है, तो वो रोज होती हुई देख रहा है। नहीं समझ तो क्या हुआ? बहुत सारी बातें तो ऐसी होती है जो हर आदमी से मिलती है। प्रत्येक बात बताने वाला चार ही लाइन क्यों लिखता है? वो आपकी पूरी जिंदगी के बारे में क्यों नहीं बताता? बताइए आप मुझे। मान लिया आप कहीं गए, आप अपने भविष्य के बारे में जानने चाहते हैं, वो भविष्य वक्ता है, केवल चार या पांच ही लाइन क्यों लिखता है? उसमें भी दो लाइन वो लिखता है कि हवन कराओ, इतनी अमावस्या आओ, और क्या कहते हैं भगवान का नाम लो, क्यों लिखता है भाई? और तीन बात आपकी आपके बारे में बता दी, परिवार के बारे में बता दी, तो उसने किया क्या? आपका घर भी बता दिया तो क्या 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 हासिल हुआ? हुआ बताओ। चीज को उसके अंजाम तक पहुंचाना बहुत बड़ी बात है, चीज को शरीर से बाहर निकाल देना बहुत बड़ी बात है, और वो रमी हुई है भाई, 20 साल से रमी हुई है। आप उसको कैसे अलग करोगे? एक शरीर में दो आत्मा अभी कैसे अलग करोगे? आप एक को अलग नहीं करना जानते, दूसरी को कैसे अलग करना जानोगे? ठीक है, आप इतने बड़े योगी हुए नहीं हो अपनी आत्मा को अलग करके दिखा सको शरीर से, तो फिर तो दूसरा रम गया, उसको नहीं ऐसे कर सकते, वो धीरे धीरे ही जाएगा, उसके स्वरूप को वापस बदलना पड़ेगा। वो बिंदु आकार था आपके शरीर में घुस गया, बड़ा आकार धारण कर लिया, अब उसको वापस वहीं पहुंचाना पड़ेगा उसी छोटे आकार में, और तब तक वो कटेगा ही। महाराज अभी आई थी, इसकी काली जीभ थी बिल्कुल, अब इसकी बिल्कुल लाल जीभ है और सफेद। पता है तेरे को काली माता बन रही है तू? आया समझ में? परिवर्तन आता है आदमी में शुरू से लेकर आखिर तक। इसके रंग में अब अंतर है, इसके चेहरे के भाव में अंतर है, इसके तेज में अंतर आ गया। जब ये आई थी, अगर इसकी पहली फोटो और वीडियो आप देख लोगे तो शर्मा जाओगे। प्रत्येक आने वाले के साथ ऐसा ही होता है, निगेटिविटी आपके चेहरे को आकार को भाव को बदल देती है, आपके तेज को खा जाती है धीरे 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 धीरे। तो जो तेज आपको अभी नजर आ रहा है वो कितने गुना ज़्यादा था उससे आगे ना? भगवान का प्रत्येक प्राणी बनाया हुआ बहुत सुंदर। आगे अगर वो अपने आकार में अपने स्वरूप में रहता है तो काला बेटा भी बहुत सुंदर दिखाई देता है, उसका चेहरा भी चमकता दमकता दिखाई देता है, लेकिन हम सब निगेटिविटी में गिरते हैं। बोलो शनिदेव महाराज। चलो बोलो जय शनिदेव। जय शनिदेव।